बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे, अगर आप ई पोर्टल वेबसाइट पे वैक्सीनेशन को सबमिट करने जा रहे हैं और आपके सामने इस टाइप से एरर आ जा रहा है, आपकी फ़ाइल सबमिट नहीं हो रही है, तो आप अपनी फ़ाइल को सबमिट कैसे करेंगे। तो देख सकते हैं, आज मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको इसका मतलब बताऊँगा। मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी है सारी चीज़ के अंदर, आपको क्या क्या कमी आया, क्या क्या आपको सही करना है, उसके बाद ये फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको बता देते कि इसके अंदर करना क्या है। ये आपकी फ़ाइल की कोई भी गड़बड़ नहीं, आपकी फ़ाइल 1 MB के नीचे होनी चाहिए तीनों फाइल, उसके बाद यहाँ फिर कोई कन्फ्यूजिंग नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और अगर ये आपके इसी टाइप से एरर आता है, फाइल सबमिट नहीं होती, तो आपको सिंपली कोई भी ब्राउज़र को चेंज करना है। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, आप उसे चेंज कर दें, आप दूसरा ब्राउज़र यूज़ करें। अगर वो आपको दूसरे ब्राउज़र में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्रोम ब्राउज़र से यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी मोबाइल से ही। तो मैं आपको इंशाल्लाह लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। और ये वीडियो बनाने का एक मकसद और है कि आज हम वैक्सीनेशन जो है 150 पार कर रहे हैं। आज भी मेरी 150 वैक्सीनेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डेली बेसिस पे 10 लोगों की 12 लोगों की वैक्सीनेशन सबमिट करता हूं, तो बस अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। बस मुझे खुशी इस बात की है कि मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए हम आपको यहाँ आपको दिखाते हैं कि इसे किस तरह सबमिट करना है अगर इस टाइप का एरर है। सबसे पहले आप एक पेज देख सकते हैं, ये ई पोर्टल का पेज है। हम यहाँ आ जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके यहाँ एप्लीकेशन टाइप है, एप्लीकेशन टाइप को क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ सऊदी रेसिडेंटी पे क्लिक करेंगे। सिंपल प्रोसीजर हर कंट्री का एक ही है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया अकामा नंबर, उसके बाद से अकामा डेट, हिजरी एक्सपायरी डेट, यानी आपको हिजरी एक्सपायरी डेट डालना है कि आपका अकामा कब खत्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ कैप्चर कोड डालेंगे। चलिए, हमने अकामा नंबर, हिजरी डाल लिया, सारी चीज़ें कैप्चर कोड डालते हैं हम, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, देख सकते हैं। सॉरी, कैप्चर कोड गलत हो गया, हम फिर से कैप्चर कोड डालेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार कैप्चर कोड को। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं मेन रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारी खुल गई। हम यहाँ सारी चीज़ें हमारे सामने, उनका नाम, आरबी नेम, इंग्लिश नेम, सारी चीज़, उनकी नेशनलिटी, उनका पासपोर्ट नंबर, यहाँ देख सकते हैं कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको तीन चीज़ दो चीज़ डालनी है, पहला मेल, फिर वही मेल कंफर्मेशन मेल में, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक। मोबाइल नंबर के आगे जीरो नहीं लगाना है आपको, और ये सारी चीज़ डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही उनके मोबाइल पे एक OTP जाएगी। चलिए, हम OTP उनसे ले लेते हैं और इसे हम सबमिट करेंगे। इनकी फ़ाइल सबमिट नहीं हो रही थी, बेचारे बहुत परेशान थे करीब कई दिनों से, तो इन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने इनकी फ़ाइल सबमिट किया। चलिए, OTP आ गई है, हम यहाँ OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं फिर रिटर्न हमको मेन पेज इन्फॉर्मेशन पे लेके आया है। अब यहाँ इनकी इन्फॉर्मेशन जो हमने अकामा नंबर, मोबाइल नंबर डाला, ये देख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ आ गया वैक्सीनेटेड इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ क्लिक करेंगे। ये इंडिया में है तो हम यहाँ लिखेंगे एस्ट्राजोनिक 2 डोज, उसके बाद इन्होंने 5 डोज कब लगाई थी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करेंगे हम। उसके बाद फिर हम सेकेंड डोज की इन्फॉर्मेशन, चलिए थोड़ा हम जूम कर देते हैं आपके लिए, आपको समझने में आसान हो जाएगा। देख सकते हैं इनकी 1st डोज, और उसके बाद हम सेकेंड डोज इनकी डाला, और डालने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद अब हम यहाँ इनकी फाइल सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका पासपोर्ट सिलेक्शन करेंगे, पासपोर्ट के बाद फिर वैक्सीन, उसके बाद अदर अटैचमेंट। अदर अटैचमेंट में आपके पास अकामा नहीं है तो कुछ और भी डाल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पासपोर्ट सिलेक्शन कर लेते हैं, पासपोर्ट कर लिया मैंने। अब हम यहाँ वैक्सीन सर्टिफिकेट को क्लिक करेंगे, वैक्सीन के बाद अदर अटैचमेंट, हम यहाँ अकामा सिलेक्शन करेंगे, हमारे पास अकामा है। अगर आपके पास अकामा नहीं है तो आप वैक्सीन सर्टिफिकेट यहाँ सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह, हमारी वैक्सीनेशन सबमिट हो गई। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली ब्राउज़र को चेंज कर देना है, किसी और ब्राउज़र से यूज़ करना है, इंशाल्लाह ये वैक्सीनेशन आराम से सबमिट हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।